गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूर पॉलिटिकल साइंस टीचर। वी आर स्टडिंग आवर चैप्टर 10, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लैंग्वेज। इससे पहले हमने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पढ़े हैं, पार्टीशन के ऊपर है, रिफ्यूजीज के ऊपर था, काफ़ी स्टेट्स थे जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनके ऊपर था, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का था, रीऑर्गेनाइजेशन का था। तो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो उसी के साथ साथ मतलब उसमें ऐड भी है और उसी के साथ साथ क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट लैंग्वेज के ऊपर भी हुआ कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी बनाई गई थी उसके ऊपर। तो लैंग्वेज से दो इशू रिलेटेड करते हैं। फर्स्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो क्या है, आपको पिछले टॉपिक में बता दिया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है, 53 के अंदर क्या इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसने 1955 के अंदर क्या अपनी रिपोर्ट पेश की थी और 56 के अंदर क्या है इसके तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था। और उन्होंने किसके बेस के ऊपर, लिंग्विस्टिक होमोजेनेसिटी के लेग के ऊपर क्या है मतलब काम किया था कि हम क्या है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है स्टेट का निर्माण करेंगे। क्योंकि सबसे पहला आंध्र प्रदेश जो स्टेट था वो बनाया गया था, वो लैंग्वेज के ही अकॉर्डिंग बनाया गया था 53 के अंदर। उसके बाद काफ़ी स्टेट्स इसकी डिमांड करने लगे और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसीलिए बिठाया गया था। और कहने का मतलब है कि लैंग्वेज एक प्रॉब्लम बन चुकी थी अब, तो सारे जितने भी लैंग्वेज वाले हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं अपने अपने स्टेट के अलग अलग डिमांड करने लगे थे। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, तो इसलिए हर को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट बनना मुश्किल था। तो ज़्यादातर क्या है जो मिली जुली लैंग्वेजेज है या जिनका कल्चर एक जैसा था उनको मिला करके क्या 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है, सोल्व नहीं हुई दोबारा से क्या है, इसके बाद भी काफ़ी लगातार हम ये कह सकते हैं कि अब तक भी क्या है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है काफ़ी स्टेट अपना अलग से स्टेट बनाने की डिमांड कर रहे हैं। 60 के अंदर जैसे महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए दोनों लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, 66 के अंदर हरियाणा और पंजाब बनाए गए, 60 के अंदर नागालैंड, 70 के अंदर मेघालय, ये सारे के सारे जो स्टेट नए बनाए गए थे वो सारे ही किसके अकॉर्डिंग है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। और आज भी ये प्रॉब्लम चल रही है, अब भी विदर्भ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र और पास, तो वो क्या है एक विदर्भ जो क्षेत्र है और वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है विदर्भ स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। गुजरात के जो साउथ के अंदर कबीलिया लोग रहते हैं वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है अपने अलग से स्टेट की मांग कर रहे हैं। बिहार के अंदर जो मैथिली लैंग्वेज के लोग हैं वो क्या अपने से अलग से क्या है बोडो स्टेट बनाने की क्या है बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा लैंड बनाने की बात कर रहे हैं जिनकी लैंग्वेज अलग है। वेस्ट बंगाल के अंदर गोरखा स्टेट बनाने की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है हिंदू और मुस्लिम के कारण अलग से सिस्टम है और उर्दू और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेज ज़्यादा बोली जाती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम तब से लेकर अब तक अब भी चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ लैंग्वेजेज काफ़ी हैं। तो इन सब के कारण, लैंग्वेज के कारण क्या है इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म है उसके अंदर काफ़ी, ये इसकी सबसे बड़ी हम डीमेरिट भी बोल सकते हैं या कमी बोल सकते हैं कि लैंग्वेजेस डिफरेंस होने के कारण इंडिया के अंदर सबसे जो बड़ी कमी आई है वो किस में आई है, नेशनलिज्म के अंदर आई थी। अब क्या हर स्टेट सिर्फ अपने रीजन की सोचने लगा, तो फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद की भावना का उनके अंदर क्या हुआ, विकास हुआ। सभी क्या हैं अपने एरियाज यानी जहाँ पर अपनी लैंग्वेज अपना स्टेट है उसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज आप स्टेट की छोड़ो, एक MLA भी या एक MP भी बनता है वो भी क्या है अपने स्टेट जो अपना एरिया है जिसके अंदर से वो रिप्रेजेंटेटिव बन के गया है सिर्फ उसी के लिए बात करता है, न कि पूरे इंडिया के बात करता है। तो नेशनलिज्म के अंदर इसके अंदर काफ़ी कमी आई है। अब बात आती है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो नेशनल लैंग्वेज है आपको पता है हिंदी को बनाया गया था, देवनागरी जिसकी लिपि होगी, और ये कहा गया था कि 26 जैन 1965 तक क्या है इंग्लिश लैंग्वेज सरकारी भाषा के यानी गवर्नमेंट लैंग्वेज के रूप में यूज होगी। जब हमारा 50 के अंदर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन पास हो चुका था, बन चुका था, तो ये कहा गया कि 65 तक, क्योंकि इंडिया का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ऐसा था जो हिंदी को नहीं जानता था और जहाँ पर क्या है हिंदी लैंग्वेज को एकदम से गवर्नमेंट लैंग्वेज के रूप में यूज करना क्या है काफ़ी मुश्किल था। तो इसलिए 26 जैन 1965 तक का यानी 15 साल का टाइम दिया गया कि 15 साल तक क्या इंग्लिश यूज होगी, उसके बाद हिंदी को क्या है सरकारी भाषा
के रूप में हर ऑफिशियल काम के लिए ये क्या है यूज़ किया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो जब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बना तो काफ़ी जो सी गोपालाचार्य जो साउथ के मिनिस्टर वगैरह थे या साउथ से क्या है जो लीडर्स वगैरह थे उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेन नाम भी दिया गया है मद्रास से, ये मद्रास है सॉरी, तो मद्रास से सी गोपालाचार्य वो क्या है फेवर में थे किसके हिंदी लैंग्वेज के। लेकिन जैसे जैसे क्या है डिमांड उठने लगी इन मेनली हम साउथ स्टेट्स की बात करें तो इनके अंदर जैसे कि तमिलनाडु का है मद्रास का है नीचे जो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं उड़ीसा का है जहाँ पर क्या है हिंदी यूज़ नहीं की जाती है हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर या तो मदर टंग बोली जाती है उनकी या फिर क्या है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे ये डिमांड उठती गई इन लोगों ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। यानी पहले तो स्टेट बनाए गए लैंग्वेज की गड़ी, अब हिंदी लैंग्वेज के ऊपर भी जो नेशनल लैंग्वेज पास की गई थी तो उसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो 1963 के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है उनको सांत्वना दी कि आपको किसी भी लैंग्वेज के साथ कोई धोखा नहीं किया जाएगा या किसी भी लैंग्वेज को ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या है बिना कोई एक्ट पास किए क्या है इसको नहीं माना, यानी उनके सांत्वना को मैंने, तो इसलिए 1963 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया। इस लैंग्वेज को एक्ट को पास करने के बाद ये लिखा गया, पहले लिखा था आफ्टर 1965, उसकी जगह लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के मे बी यूज इंग्लिश लैंग्वेज डॉट डॉट, यानी कि हिंदी के साथ साथ में क्या है इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज होगी, यानी मे वर्ड का यूज कर दिया गया। टाइम का कोई निश्चित नहीं किया गया कि इतने टाइम तक होगी, मे बी यूज इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज होगी। तो इस तरह से क्या है तब से लेकर के काफ़ी जगह पर क्या है इंग्लिश लैंग्वेज चली आ रही है। लेकिन नॉन हिंदी स्टेट अब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल रहे हैं कि मे की जगह क्या है सेल वर्ड का यूज़ किया जाए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ होगी। तो इस तरह से क्या है आज भी इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। 65 में डीएमके है उन्होंने रिपब्लिक डे को क्या है डे ऑफ मोशन यानी शोक दिवस के रूप में मनाया। मद्रास के अंदर एंटी हिंदी कॉन्फ्रेंस की गई। तो इन सब से मिलाकर के क्या है लैंग्वेजेज भी बढ़ती जा रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज है 8वीं अनुसूची के अंदर 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज, और इंग्लिश इनके अंदर है, इंग्लिश इन 22 लैंग्वेज के अंदर नहीं है, वो एक अलग से फॉरेन लैंग्वेज है जिसका यूज़ काफ़ी स्टेट्स के अंदर क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज, इसके अलावा ऐसी लैंग्वेजेज है जो डिमांड कर रही है उनको भी शामिल करने का। तो इस तरह से ये हमारा लैंग्वेजेज का कॉन्फ्लिक्ट है, और ये मे बी शायद किसी एक या दो बुक को छोड़ करके किसी में नहीं देखा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट है पिक्चर्स, ये काफ़ी बार अभी क्या है लेटेस्ट 3 या 4 ईयर से पूछी जा रही है और इस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन है और क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ये आपको पिक्चर्स में ही नज़र आ रहे हैं हमारे क्या है फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर भी बोल सकते हो फर्स्ट, तो वो हैं जो क्या है प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने के लिए हर जगह जाकर के क्या है जो वहाँ के राजा होते हैं उनसे मांग रहे हैं क्या जो असेसन था जिसके ऊपर सिग्नेचर करवाए जा रहे थे असेसन के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन का एक लेटर मांग रहे हैं कि आप हमें शामिल हो जाइए, सिर्फ आप हमें इसके ऊपर आप ध्यान से देखो कि एक्सटर्नल अफेयर डिफेंस एंड कम्युनिकेशन ये तीन मुद्दे या तीन आइटम्स या तीन सब्जेक्ट हमें दे दीजिए, बाकी आप अपने स्टेट में जैसे हैं वैसे काम करते रहिए। तो ये असेसन यानी उनको इंटीग्रेट करने का काम लिखा हुआ है। नीचे स्टेट्स के ऊपर पब्लिक दिखाई गई है गरीब के रूप में जो सीट के ऊपर जिसके ऊपर राजा बैठा है। तो यानी सरदार पटेल जी कहते हैं कि नो डोंट गेट अप, मतलब आप खड़े ना होइए, यूअर हाइनेस आप अब भी क्या ऊपर के अहदे पर आप अब भी राजा है, जस्ट गिव मी दिस यानी आप हमें ये लेटर दे दीजिए, उनके हाथ में एक लेटर सा है सिग्नेचर करके दैट विल डू, इसको आपको करना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम द लीडर शो इन द राइट ऑफ द कार्टून, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो फर्स्ट हमारे होम मिनिस्टर हैं। सेकंड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द कार्टून इंडिकेट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर, में क्या दिखाता है इसमें पीपल को क्या दिखाया गया है मास्टर या स्लेव दिखाया गया है, और उनको क्या है रूलर को क्या है मास्टर दिखाया गया है और पीपल को स्लेव दिखाया गया, यानी इतनी पोजीशन थी कि मतलब वो उसके ऊपर बैठा दिखाया गया। आप देखोगे तो ये कुर्सी की जगह क्या है पुअर पीपल्स हैं यानी गरीब जनता है और ये राजा है, तो मास्टर और स्लेव का इसमें दिखाया गया। नेक्स्ट है इन योर ओपिनियन हाउ सक्सेसफुली वाज द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द लीडर्स ऑन द राइट ऑफ सोल्व द इशू, तो कौन सा इशू सोल्व करें प्रिंसली स्टेट का
और कौन से लीडर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया था, 500 से ज़्यादा लिख कर, बल्कि 562 के आसपास क्या है, उन्होंने स्टेट को बिना किसी प्रॉब्लम के इंटीग्रेट कर दिया था। तो ये पूछा जाता है। इसके अलावा मैप है, मैप में जूनागढ़ मणिपुर मशहूरी दिखा रखी है इसमें तो, लेकिन आपको इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सभी का है, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि बिहार से कौन सा स्टेट अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से कौन सा स्टेट अलग हुआ है, ठीक है, हरियाणा पंजाब में से पिक्चर दिखा देते हैं 66 में कौन सा हुआ है, महाराष्ट्र गुजरात में से दिखा देते हैं कि इनमें से कौन सा हुआ है, या नीचे लाइन लिखी आ जाती है कि 66 में या 60 में अलग होने वाले स्टेट को मार्क कीजिए। तो आपको इंडियन स्टेट की जो बाउंड्री है सभी का पता होना चाहिए और वो कहाँ है। और नेक्स्ट है, ये पिक्चर्स हैं, ये क्या है नए स्टेट की, जब हमारा एक्ट पास हो रहा था 53 के अंदर क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बीच में दिखा रहे हैं, बाहर क्या है मतलब लीडर्स दिखा रखे हैं जो अपने अपने स्टेट की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा स्टेट भी नया बनना चाहिए, हमारा स्टेट भी नया बनना चाहिए। तो ये कार्टून इससे बिलोंग करता है। इसमें यही पूछे जाते हैं कि सेंटर वाले मिनिस्टर कौन है और बाहर के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट एंड टॉपिक कंप्लीट।